Hello students, in the last video we already discussed about the GATE questions of determinant and concept of determinant. In this video we are going to discuss about the inverse of matrix and some questions based on orthogonal matrix. Okay, now let's start with the inverse of matrix first. देखिए inverse of matrix, as you know that किसी भी matrix का inverse निकालना है तो हम basic जो formula होता है for any matrix A inverse is equals to adjoint of A by determinant of A. Suppose I have a matrix A that is equals to A, B, C and D और मुझे इस matrix A का inverse निकालना है. ठीक है, then what I have to do, I have to first find out the adjoint of this matrix and then determinant of this matrix. Okay, so firstly if we will find out determinant of this one, then determinant of this one will be AD minus BC and the adjoint part will be A inverse is equals to what, adjoint A by determinant of A. So adjoint part will be, एडजॉइंट पार्ट हमारा हो जाने वाला है क्या, एडजॉइंट मींस होगा ये जो मैट्रिक्स हमने ली है ए बी सी डी, पहले इस ए का कोफैक्टर लेंगे, फिर इस बी का कोफैक्टर लेंगे, फिर सी का कोफैक्टर, फिर डी का कोफैक्टर, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लेना है और फिर उसका ट्रांसपोज करना है, दैट बिकम्स एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स. ठीक है, तो इस मैट्रिक्स ए के लिए एडजॉइंट क्या बन जाने वाला है, एडजॉइंट हमारा बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बिकम इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इस ए का कोफैक्टर लेंगे दैट इज डी, इस बी का कोफैक्टर लेंगे माइनस सी, इस सी का कोफैक्टर लेंगे माइनस बी और डी का कोफैक्टर लेंगे ए, और इसका करना है आपको क्या क्या स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज. ओके, नाउ ट्रांसपोज अगर हम इसका कर देते हैं देन दिस विल बिकम, दिस विल बिकम व्हाट, डी ये बन जाएगा माइनस बी माइनस सी एंड ए. सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर मुझे इस मैट्रिक्स ए के लिए एडजॉइंट निकालना है तो मुझे क्या करना है, बेसिकली हम इसको ऐसा सीख सकते हैं, अगर मुझे इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालना है और अगर एलिमेंट्स ए बी सी डी है तो आपको क्या करना है, आपको ये एलिमेंट ए और डी जो दिख रहे हैं इन दोनों की तो करनी है पोजिशन चेंज. ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पे किया, इन दोनों की तो करनी है आपको पोजिशन चेंज और इन दोनों की करनी है आपको साइन चेंज. अब इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स के लिए, किसी भी 2x2 की मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको इस ए और डी की तो करनी है पोजीशन चेंज और इस बी और सी की करनी है आपको साइन चेंज. ठीक है, तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स मेरा बन जाएगा, ये बन गया ए और डी की तो पोजिशन चेंज, पोजिशन हो गई चेंज डी और ये आ गया ए, और बी और सी के करने हैं आपको साइन चेंज, ये बन गया माइनस बी, ये बना माइनस सी और डिवाइडेड बाई आपको जो वैल्यू आ रही दैट इज डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है आपका यहाँ ए डी माइनस बी सी. तो किसी भी 2x2 की मैट्रिक्स के लिए आप ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं और अगर आप इसको ए बी सी डी से ध्यान रखेंगे दैट विल बिकम वेरी ईजी. क्यों, क्योंकि इस 2x2 की मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का गेट में क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार आए हैं. ठीक है, तो हम उन क्वेश्चंस को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो गिवन क्वेश्चन है उसके डेटाज देखने हैं, उन डेटाज में ए और डी की जगह चेंज करनी है, मतलब इनका प्लेस चेंज करना है, इनको इंटरचेंज करना है और बी और सी के साइन चेंज करने हैं. ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपको करना है उसका डिटरमिनेंट. ओके, लेट अस सी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस 1x2 पे एक क्वेश्चन आया है बेस्ड, हम वो देखते हैं. Now let's see the question based on 2x2 matrix inverse. Okay, this is a GATE question of year 2015 mechanical branch which covered 2 marks. Now what is the question, for a given matrix P equals to 4 plus 3 iota minus iota, iota and 4 minus 3 iota, where iota is equals to root of minus 1, the inverse of the matrix P is what? We have options here A, B, C, D. Option number A is 1/24, 4 minus 3 iota, iota minus iota, 4 plus 3 iota. Option B is 1/25, iota, 4 minus 3 iota, 4 plus 3 iota minus iota. Option C is 1/24, 4 plus 3 iota minus iota, iota and 4 minus 3 iota. Option D is 1/25, 4 plus 3 iota minus iota, iota and 4 minus 3 iota.
नाउ लिसन स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और हम इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। जस्ट अगर हमने अभी जो पढ़ा कॉन्सेप्ट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का ABCD, अगर आप उसको ध्यान रखते हैं, अगर आप इस मैट्रिक्स को एज ए ABCD कंसिडर करें और हम ये सोच लें कि मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, तो वॉट आई हैव टू डू स्टूडेंट्स, 1/AD-BC जो कि इसका डिटर्मिनेंट है, इन दोनों को करना है इंटरचेंज, ये डी ये ए, इन दोनों के करने हैं साइन चेंज, ये माइनस बी और ये माइनस सी। ठीक है, तो मतलब मुझे क्या करना है, जो मुझे गिवन मैट्रिक्स से है ये लिखा जिस किसी भी फॉर्म में है, मुझे ये ABCD दिखाई देना चाहिए। अगर ये ABCD की फॉर्म में है तो मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, मुझे इन दोनों को इंटरचेंज करना है। मींस मेरा जो फर्स्ट आंसर आने वाला है उसमें फर्स्ट ऑप्शन बनेगा 4-3 iota। अब जैसे मैंने ये काम किया, मुझे ये समझ में आ जाएगा इन चार में से कम दो ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें ऐसा नहीं आ रहा है। देखिए, फर्स्ट ये ऑप्शन हो सकता है राइट, क्योंकि यहाँ 4-3 iota आ रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसमें देखें तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरे पास यही आ रहा है। फिर भी अगर हम इसको चेक करना चाहे तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को तो करना था इंटरचेंज और इन दोनों को करने हैं साइन चेंज। इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस आयोटा के प्लेस पे मेरा आंसर में बनने वाला है आयोटा, और इस आयोटा के प्लेस पे बनने वाला है क्या स्टूडेंट्स, माइनस आयोटा। ये तो मैंने निकाल दिया ABCD वाला पोर्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटर्मिनेंट। अगर मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करना है, सिंपल से मल्टीप्लाई करना है, 4+3 iota × 4-3 iota और माइनस, ऑलरेडी ये माइनस है, आयोटा स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, आपको ये पता है ये बन रहा है a+b और a-b, दैट इज a² - b² दिस विल बिकम वॉट 16 माइनस कितना बन जाएगा आपके पास में 9 और आयोटा स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा +9 16+9 और यहाँ बनने वाला है आयोटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1 ये ऑलरेडी है -1 बनेगा, यहाँ आपके पास बन जाएगा -1 तो 16+9 दैट इज 25 यू विल गेट 24। इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ क्या आने वाला है, ए ही आने वाला है। अगर इस क्वेश्चन को आपने जो अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है ABCD, अगर इस कॉन्सेप्ट से करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जिस जितनी देर आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने में लगी है उतना भी, उससे भी कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है आपको, इतना सही तो देखना है इस क्वेश्चन में, ये ABCD वाला कॉन्सेप्ट है, ए की जगह डी और डी की जगह ए रखना है, और इस इन चार में से सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए की जगह डी और डी की जगह ए आ रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। नाउ जस्ट रीड दी क्वेश्चन आया है गेट टू द वेन 5 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, वो भी कितना 2 मार्क्स का क्वेश्चन। फर्स्ट जस्ट रीड द क्वेश्चन, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 2-0.103 एंड ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/2 A0B, देन a+b इक्वल्स टू वॉट, वी हैव ऑप्शन ऑल्सो, ऑप्शन ए है 7/20, ऑप्शन बी इज 3/20, ऑप्शन सी इज 19/60 एंड ऑप्शन डी इज 11/20। नाउ लिसन टू मी स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल हो सकता है, हम इस क्वेश्चन के लिए 2 अप्रोचेस को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच हमारी ये हो सकती है कि ये जो गिवन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम क्या करें, ए मैट्रिक्स हमारे पास है, ए इनवर्स भी हमारे पास में है, हम क्या करें, ए इंटू ए इनवर्स, एज वी ऑल नो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स या इनवर्स मैट्रिक्स। राइट, नाउ ए ए इनवर्स इक्वल्स टू आई होता है, हमारे पास मैट्रिक्स ए है, हमारे पास ए इनवर्स है, हम इन दोनों की वैल्यू रखें ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रखें, 1-0-0-1 के इक्वल रखें, कंपैरिजन करा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास में ये है, लेकिन इस ऑप्शन से हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारा आंसर भी डेफिनेटली आ जाएगा, लेकिन दैट विल टेक टाइम। हमको क्या करना है, हम गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो वी हैव टू बी स्मार्ट इन अप्रोच, तो हम हमारी अप्रोच को थोड़ा सा स्मार्ट डेवलप कर सकते हैं। कैसे, हम इसके लिए एक सेकेंड अप्रोच कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, मैट्रिक्स ए हमारे पास में है, ए इनवर्स हमारे पास में है, ये जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है, 2x2। राइट, इसका ऑर्डर हमारे पास 2x2 है, हम क्या करें, ये जो गिवन 2x2 की मैट्रिक्स है हम इसका इनवर्स खुद से निकाल लेते हैं। कैसे, गिवन मैट्रिक्स ए हमारे पास है, अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था ए इनवर्स का है हमारे पास में,
इसका ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ये मैट्रिक्स हमारे पास है 2x2 की, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, यू हैव टू जस्ट इंटरचेंज द वैल्यूज ऑफ ए एंड डी। ए एंड डी को इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या बन जाने वाला है, ये बन जाने वाला है 3, ये बनने वाला है 2। And you have to change the sign of B and C. ये बन जाने वाला है positive 0.1 and this will become 0 as it is. ये तो हुआ A adjoint वाला portion. Now इसका determinant अगर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 minus 0 that is equals to कितना बन जाएगा 1/6, ये determinant हो गया। अब ये A inverse वो है जो हमने find out किया है और ये A inverse वो है जो हमें already given है। हमको क्या करना, what we have to do, we have to just compare these A inverse. अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको सीधा सीधा मिलने वाला है, व्हाट यू हैव टू गेट, आपको मिलने वाला है ए इक्वल्स टू 0.1/6 एंड व्हाट बी, बी विल बी 2/6। ये 2/6 आपका बी बन गया, ए आपका बन गया 0.1/6। ठीक है, ए इक्वल्स टू 0.1/6 है तो ये क्या बनेगा, ए इक्वल्स टू 0.1/6 मींस बना 1/60, बी इक्वल्स टू बन गया आपका 1/3। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है ए प्लस बी। नाउ ए प्लस बी विल बिकम, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/60 प्लस 1/3, दिस विल बिकम 60 1+20 दैट इज इक्वल्स टू 21/60 दैट इज इक्वल्स टू 7/20, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के हम अप्रोच ऐसे भी कर सकते हैं जिसमें हमको कम से कम टाइम लगे, जो कि किससे मिलने वाला है आपको, इस ऑप्शन नंबर बी से या अप्रोच नंबर सेकंड से मिलने वाला है। ओके, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन। अब अभी हमने देखा 2x2 का इनवर्स निकालना, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 3x3 इनवर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ inverse matrix inverse is of 3x3 matrix. Let's see the question. Question है हमारा get 2005 में आया हुआ, electrical branch में question आया है, वो भी 2 marks में. The question is what? If R equals to 1, 0, -1, 2, 1, -1, 2, 3, and 2, then the top row of the matrix R inverse is equals to what? We have options as well. Option A है 5, 6, 4. Option B is 5, -3, 1. Option C is 2, 0, -1. And option D is 2, -1, 1/2. राइट, नाउ लेट्स सी स्टूडेंट्स, देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये किस ऑर्डर का है, 3x3 की मैट्रिक्स का है। मुझे निकालना है क्या, 3x3 की मैट्रिक्स का इनवर्स। देखिए एक जो सिंपल अप्रोच होती है फॉर एनी मैट्रिक्स, अगर सपोज R है, इसका R इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना है एडजॉइंट ऑफ R बाय डिटरमिनेंट ऑफ R। ये अप्रोच हम सबको पता है। अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए इस अप्रोच को फॉलो करती हूँ तो मेरा क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाने वाला है और मेरा आंसर भी आ जाने वाला है, लेकिन क्या होगा, दैट विल टेक टाइम। हम प्रिपेयर कर रहे हैं गेट एग्जामिनेशन के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, सो वी हैव टू बी स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स मुझे अप्रोच को क्या करना पड़ेगा, इजी से इजी करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। तो क्या करना है आपको, व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, देखिए हम एक नए तरीके से इनवर्स निकालना सीखते हैं यहाँ पे। ये जो मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल ऑन 3x3 मैट्रिक्स। ओके, नाउ लेट्स सी द इनवर्स ऑफ दिस वन। इसका मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है तो क्या आने वाला है और कैसे आने वाला है, हम इसको डिस्कस करते हैं। इस 3x3 की मैट्रिक्स के लिए आपके पास में 3x3 की मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, देखिए ये R है, आपको क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो नाउ अब वी विल फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। पहले हम इसका इनवर्स निकाल लेंगे, फिर बात करेंगे क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है, टॉप रो निकालना, फर्स्ट रो निकालना है। पहले हम इनवर्स की बात करेंगे। इनवर्स निकालना है 3x3 की मैट्रिक्स का, तो ये बन जाने वाला है, देखिए स्टूडेंट्स पहले जो गिवन मैट्रिक्स है उसको एज इट इज लिख लीजिए, 1, 0, -1, 2, 1, -1, 2, 3 एंड 2। ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसको एज इट इज लिखना है, हमने डिटरमिनेंट में भी यही काम किया था। अब आपको इसके फर्स्ट टू कॉलम्स को रिपीट करना है, जस्ट रिपीट द फर्स्ट टू कॉलम्स 1, 0, 2, 1, 2 एंड 3। इतना काम हम डिटरमिनेंट में ऑलरेडी कर चुके हैं, अब मुझे इसी का इनवर्स निकालना है। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट टू रोज है इन्हीं को रिपीट करना है। ये बन जाएगा 1, 0, -1, 1 एंड 0, दिस विल बिकम 2, 1, -1, 2 एंड 1।
ठीक है, हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, फिर से समझ लीजिए। ये हमने डिटरमिनेंट में निकाला था, पहले आपको इस जो गिवन मैट्रिक्स है उसको एज इट इज लिखना है, 3x3 की मैट्रिक्स को। उसके बाद इसके फर्स्ट टू कॉलम्स को रिपीट करना है, इतना हम डिटरमिनेंट में सीख चुके हैं। इसके बाद इनवर्स निकालना है, तो इसकी फर्स्ट टू रोज को रिपीट करना है। फर्स्ट टू रो को रिपीट किया है, इसके बाद इसके फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए। अब जो भी वैल्यू आने वाली है, जो भी आपकी वैल्यू आएंगी, हम उसमें इनवर्स की वैल्यू सीधी सीधी लिखने वाले हैं, ठीक है, और फिर हम उसको डिटरमिनेंट से उसके मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना। अब मुझे इसमें सॉल्व करना है, इसमें जितने भी माइनर बन रहे हैं 2x2 के, मुझे सारे माइनर्स को डिस्कस करना है। देखिए सबसे पहला जो माइनर बन रहा है दिस वन, इस माइनर को सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, 2 और माइनस माइनस प्लस 3 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5। जो आपका सॉल्यूशन आएगा वहां पुट करते जाएंगे वैल्यू। नाउ द नेक्स्ट वन विल बिकम -2 and -2, कितना बनने वाला है -2 and +4, ये बनेगा -2 and -4 दैट इज इक्वल टू -6, ये बन जाएगा हमारे पास में कितना -6। नेक्स्ट देखिए मैंने क्या किया है, मैंने सॉल्व तो किया है रो में और आंसर हम लिख रहे हैं किसमें, कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट बनने वाला है आपके पास में 6 - 2, 6 - 2 कितना बनेगा 4 बनेगा, ठीक है। फिर से वही काम किया है, हम सॉल्व कर रहे हैं रो में और वैल्यूज लिखेंगे कॉलम में। नाउ द नेक्स्ट माइनर विल बी, ये रहा आपका नेक्स्ट माइनर, नेक्स्ट माइनर में वैल्यू क्या आने वाली है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट माइनर में आने वाली वैल्यू -3 and 0 दैट इज कितना हो गया, फर्स्ट एलिमेंट हो गया आपका -3। नाउ द नेक्स्ट वन विल कम 2 and -2 दैट इज इक्वल टू व्हाट 4, वही काम मैंने रिपीट किया है, हम सॉल्व कर रहे हैं रो में और वैल्यूज लिखेंगे कॉलम में, ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन का काम नहीं रहना चाहिए, आपको सॉल्व करना है रो में और वैल्यूज पुट करनी है कॉलम में। नाउ नेक्स्ट वन विल कम 0 एंड ये कितना बन गया -3, ओके। नाउ द लास्ट वन विल बिकम, ये बन जाएगा 0 and -1, तो मेरा फर्स्ट कॉलम, लास्ट जो कॉलम है थर्ड कॉलम, उसका फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा कितना 1। नेक्स्ट विल बिकम, ये बन जाएगा -2 and -1, तो -2 + 1 दैट इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट वन आएगा आपका कितना 1 और 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो अब इस क्वेश्चन के लिए अगर मुझे इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स के लिए मैंने क्या निकाल दिया, एडजॉइंट निकाल दिया। मुझे इस केस में इसका ना तो ट्रांसफॉर्म निकालने की जरूरत पड़ी और ना ट्रांसपोज निकालने की जरूरत पड़ी और ना ही मुझे उसका एडजॉइंट निकालने की जरूरत पड़ी, मैंने इसको सीधा सीधा कर दिया। मतलब ना मुझे कोफैक्टर देखना पड़ा, ना मुझे इसका ट्रांसपोज देखना पड़ा, ठीक है। अब आपको निकालना है इसका डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट तो आप इसका सीधे तरीके से निकाल ही सकते हो। आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इस गिवन जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो वो डिटरमिनेंट आ जाएगा आपके पास में कितना स्टूडेंट्स, 1, ठीक है। हम ऑलरेडी आता है हमें 3x3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना, तो वो बन जाएगा कितना 1। नाउ क्वेश्चन हमारा ये नहीं था कि मुझे पूरा इनवर्स निकालना है, क्वेश्चन मेरा इतना सा था इस मेथड का यूज, इस मेथड का जो बेस्ट यूटिलाइजेशन है वो कहाँ होगा, जब क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा इफ आर इक्वल टू दिस 1 देन फाइंड द टॉप रो ऑफ आर इनवर्स। जो मुझे क्वेश्चन में निकालना था वो क्या निकालना था, ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी टॉप रो निकालनी थी, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही रो निकालनी है, फर्स्ट रो निकालनी है। तो अब स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको अगर इनवर्स निकालना है तो पूरा नहीं करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, टॉप रो निकालनी है, मतलब क्या कर लीजिए, इसके फर्स्ट रो निकालिए, इसका मतलब इसके फर्स्ट कॉलम को सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं ये जो माइनस मेरे पास आ रहे हैं इसके फर्स्ट कॉलम को सॉल्व कर लूं, तो मुझे अपने आप से क्या मिल जाएगी, ये टॉप रो मिल जाएगी, ठीक है। और ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है, आप ऑप्शन देखोगे आपको बोल रहा है टॉप रो और आपने डिटरमिनेंट इसका निकाला जो कि 1 आएगा, तो आपका आंसर बन जाने वाला है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, ओके। Let us discuss the topic of orthogonal matrix. Now, before starting this one, first we have to understand what is the meaning of orthogonal matrix. होता क्या orthogonal matrix, पहले ये समझ लेते हैं। इस पे based एक question आया है GATE 2018 में, और इतना simple सा question है जिस किसी भी student को अगर इसकी properties ध्यान है वो इस question को fraction of second में कर सकता है। Now, सबसे पहले हम इसकी property को discuss करेंगे, उसके बाद हम question पे आएंगे। Properties क्या है? Orthogonal matrix means any matrix is said to be orthogonal, कोई भी matrix orthogonal होगा कब, अगर वो इसकी कुछ properties को follow करे। First है if A A transpose is equals to I, or we should say
ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, मीन्स ये हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा अगर वो क्या करे उसकी ट्रांसपोज को उसके इनवर्स के इक्वल हो, किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर उसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल हो तो देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो क्या होना चाहिए, उस मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट मीन्स उस मैट्रिक्स का हर एक वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर के जैसे भी काम करना चाहिए और ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर के जैसे भी काम करना चाहिए। मीन्स फॉर एनी मैट्रिक्स इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल if its each element or I should say each vector will work as orthogonal vector as well as orthonormal vector। नाउ इसको पहले समझ लेते हैं, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है और ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है। ऑर्थोगोनल वेक्टर मीन सपोज मेरे पास में दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अगर मैं बोलूं कि ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं, इट मीन्स स्टूडेंट्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सीधा सीधा जीरो होना चाहिए, देन दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। सेम विद द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर, अगर कोई भी वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर है, इट मीन्स क्या हुआ, अगर मेरे पास दो वेक्टर है फिर से ए और बी और ये दोनों के दोनों क्या है ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 1। मींस अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, देन दैट वेक्टर इज सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। और किसी भी वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, इट मींस वो वेक्टर क्या बन जाएगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर बन जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, क्या कि अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं हम हर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को एज ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, ऑर्थोगोनल वेक्टर जैसे होने चाहिए और साथ ही साथ ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर जैसे भी होने चाहिए। ठीक है, नाउ लास्ट वन एक प्रॉपर्टी और है इसकी कि अगर आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा, तो मींस डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आइदर प्लस 1 और माइनस 1। या तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा प्लस 1 होगा या फिर उसका डिटरमिनेंट क्या होगा माइनस 1 होगा। आप कोई भी रैंडम एग्जांपल ले सकते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैंने कहा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसका डिटरमिनेंट मैंने निकाला तो वो क्या बन जाने वाला है प्लस 1 बन जाने वाला है। ठीक है, तो जो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी उसका जो डिटरमिनेंट होगा या तो वो प्लस 1 होगा या फिर वो माइनस 1 होगा। ठीक है, तो अब जब कभी भी आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएगा, अब सबसे पहले इन तीन प्रॉपर्टीज को अपने माइंड में रखेंगे, देन ओनली यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नाउ अब हम देखें जो अभी अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है स्टूडेंट्स, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमारे क्लासरूम क्वेश्चन, इसी प्रॉपर्टी पे हमारे क्लासरूम की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन गेट 2018 सिविल ब्रांच में आया था। क्या क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर द गिवन मैट्रिक्स क्यू इज इक्वल टू दिस वन, इसका इनवर्स मुझे निकालना है। फॉर द गिवन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्यू इज इक्वल टू, ऐसा गिवन था आपको क्वेश्चन में कि फॉर द गिवन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्यू इज इक्वल टू दिस वन और आपको क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। अब आपको ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन में मुझे ये वर्ड गिवन है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो सीधा सीधा मुझे ये समझ में आ जाएगा कि इस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्यू का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, इसी का ट्रांसपोज होगा। आपको इसके लिए अलग से ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हो गया, ये ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई को फॉलो करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा। इट मींस क्या हुआ कि अगर मैं इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दूं तो वो क्या हो जाएगा, इसी का इनवर्स आ जाएगा। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज मींस क्या होता है, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, रो की जगह कॉलम रखना है, कॉलम की जगह रो करना है।
तो इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे स्टूडेंट्स तो क्या बन जाने वाला है, 3/7, 2/7, 6/7, ये बन जाएगा आपके पास जो एलिमेंट आएगा उसमें जो वैल्यू आनी चाहिए आपके पास, मतलब ये मेरा फर्स्ट रो है तो जो आंसर आएगा उसमें ये फर्स्ट कॉलम बनना चाहिए। ये देखिए इसमें फर्स्ट कॉलम बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। क्या इसमें ये फर्स्ट कॉलम बन रहा है, क्या बिल्कुल नहीं बन रहा है। क्या इसमें ये फर्स्ट कॉलम बन रहा है, जी बिल्कुल बन रहा है। इसमें बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है, राइट। ठीक है, तो ये बन रहा है 3/7, 2/7, 6/7। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन आपके पास आएगा, जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम में चली जाएगी, तो -6/7, 3/7, 2/7, उसके बाद बन जाएगा 2/7, 6/7, -3/7, तो राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस क्वेश्चन जो गेट 2018 सिविल ब्रांच में आया था। ओके स्टूडेंट्स।